अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। 11,000 पार्थिव शिवलिंग का भक्तों ने किया निर्माण। कैला देवी मंदिर के पास स्थित गोकुल गार्डन में संस्था हेल्पिंग हैंड्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 11,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम रखा गया। पार्थिव शिवलिंग बनाने का यह कार्य संस्था द्वारा पिछले 8 वर्षों से किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष शुभम विजयवर्गीय ने बताया कि गोकुल धाम गार्डन में संस्था द्वारा 11,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देवास विक्रम राव पवार उपस्थित थे। श्रीमंत पवार ने उक्त आयोजन की प्रशंसा करते हुए आरती की संस्था विगत कई 8 वर्षों से इसी प्रकार मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। इस दौरान करीब 1,500 लोग यहां उपस्थित थे। शिवलिंग के निर्माण के बाद अभिषेक किया गया एवं उसके बाद शिप्रा नदी में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया गया। कार्यक्रम पश्चात श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी कराई गई। संस्था द्वारा आगामी वर्षों में भी इस प्रकार के आयोजन करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्था के भूपेंद्र मौर्य, महेश चौहान, अनिल चौहान, जितेंद्र प्रजापत, तुषार पाटिल, गौरव टेलर, अंकित सिंह, हर्ष पवार, दिवाकर राजपूत, मोटी जाधव, राहुल शर्मा, अभिषेक विजयवर्गीय, पुष्पेंद्र पटेल, उद्धव डांगे, नितिन पांचाल, यश दुबे आदि का सराहनीय योगदान रहा। आयोजन यहाँ पर किया गया है, ये गोकुलधाम गार्डन में केला देवी मंदिर के सामने, और 11,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है और लगभग 8 सालों से किया जा रहा है। कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे भक्त जन? यहाँ पर इस साल तो मतलब रिकॉर्ड टूट गया हमारा खुद का, क्योंकि हमारा हर बार का रिकॉर्ड रहता है लगभग 1,000-1,500 लोगों का आने का, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा लोग आए हैं और पूरा हॉल कम पड़ गया है। कितने शिवलिंग का निर्माण किया गया? 11,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। अच्छा, शिवलिंग का निर्माण काय से किया गया निर्माण और इसका क्या किया जाएगा? मिट्टी से करा गया है, मिट्टी को इनको पूरा पीस के और गला करके उसको मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया है। दद्दाजी महाराज जो करते थे उनके नेतृत्व में पूरा एक कार्य हम देखें। अभी क्या किया जाएगा आगे शिवलिंग? अभी पूरे का अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद इनको शिप्रा जी में इनको विसर्जन कर दिया जाएगा। कौन सी संस्था द्वारा किया जा रहा है? संस्था हेल्पिंग हैंड्स देवास की संस्था है। आपका परिचय? मेरा नाम शुभम विजयवर्गीय है, संस्था हेल्पिंग हैंड्स से हूँ मैं, और ये कार्यक्रम हम लगभग 8 वर्षों से कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी निरंतर करते रहेंगे।